बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ इमरान अली और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल इमरान अली। बहुत से भाइयों के कमेंट्स थे कि इमरान भाई सोलर की जनरेशन के हवाले से एक डिटेल से वीडियो बना दें कि हमारे घर में सोलर सिस्टम लगा हुआ है और उसकी जनरेशन कैसे हम चेक करें कि सोलर से हमें कितनी जनरेशन मिल रही है, कितने वाट जनरेट कर रहा है हमारा सोलर सिस्टम। तो उस हवाले से मैं आपको आज की इस वीडियो में गाइड करूंगा कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारे सोलर की कितनी जनरेशन आ रही है, कितने वाट जनरेट कर रहा है हमारा सोलर सिस्टम। ईच एंड एवरीथिंग वो तमाम तर डिटेल मैं आपको आज की इस वीडियो में दूंगा। सोलर सिस्टम की जनरेशन के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपके घर में 1000 वाट का सोलर इन्वर्टर लगा हुआ है, बहुत से भाइयों के सवाल थे 1000 वाट के सोलर सिस्टम की जनरेशन चेक करने के हवाले से कि उसके वाट हम कैसे चेक करें, कैसे हमें पता चला जाएगा कितने वाट की जनरेशन है हमारा सोलर सिस्टम दे रहा है। आपके घर में अगर 1000 वाट की रेंज में कोई भी सोलर इन्वर्टर लगा हुआ है, चाहे वो आपके पास इनवरक्स का लगा हुआ है, सोलर मैक्स का लगा हुआ है, नोवाटेक का लगा हुआ है, फ्रोनस का लगा हुआ है, ज्यूनिक का लगा हुआ है, या आपके पास कोई भी ब्रांड का सोलर इन्वर्टर लगा हुआ है, तो उससे आपको चेक करने में मुश्किल पेश आती है कि हम कैसे चेक करें कि हमारे सोलर से कितने वाट की जनरेशन हमारे सोलर इन्वर्टर को मिल रही है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। आपने इन्वर्टर के स्क्रीन पे आपको एक साइड पे 3 बटन देखने को मिलते हैं, 3 बटन आपको देखने को मिलते हैं। आपने आपने सोलर इन्वर्टर के सेंटर वाले बटन को आपने प्रेस करना है, 3 बटन है और जो उनके सेंटर में बटन आता है उसको आपने प्रेस करना है, फिर से आपने प्रेस करना है। तो आपको सोलर इन्वर्टर की स्क्रीन पे वोल्टेज की ऑप्शन है लेफ्ट साइड पे देखने को मिलेगी, आप उसे फिर से टच करेंगे, उसके बाद आपको अम्पेयर की ऑप्शन देखने को मिलेगी। आपके स्क्रीन के जो पैरामीटर हैं वो आप बटन के जरिए आप देख सकते हैं और उसको सेट भी कर सकते हैं। इनकी सेटिंग के हवाले से भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। सबसे मेन मैं आपको बताता चलूँ कि आपने सेंटर वाले बटन को प्रेस करना है और लेफ्ट साइड पर स्क्रीन की लेफ्ट साइड पर कॉर्नर में आपने ध्यान में रखना है कि हमारी जो पैरामीटर हैं वो चेंज हो रहे हैं। आपने बटन प्रेस करना है, फिर प्रेस करना है, आपको वोल्टेज की ऑप्शन देगा, उसके बाद आपने फिर से प्रेस करना है, फिर आपको ये एम्पेयर की ऑप्शन देगा इन्वर्टर, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इस तरह से आप अपने सोलर इन्वर्टर के पैरामीटर देख सकते हैं कि हमारे सोलर इन्वर्टर पे सोलर की जनरेशन कितने वोल्ट और कितने एम्पेयर की रेशियो में आ रही है। आपने वोल्टेज और एम्पेयर को मल्टीप्लाई कर देना है। आपको मैं स्क्रीन पे समझा भी देता हूँ कि ऐसे आप वोल्टेज और एम्पेयर को मल्टीप्लाई करके आपको पता चल जाएगा कि आपके सोलर की जनरेशन आपके इन्वर्टर में कितनी आ रही है और कितना आप उस पर लोड चला रहे हैं और आपकी बैटरी भी मेंटेन हो रही है। वो आपको तमाम तर तफसील इससे पता चल जाएगी। आप कोई भी इन्वर्टर है आपके पास 1000 वाट की रेंज में, कोई भी सोलर इन्वर्टर है, तो आप उसके इस तरह से पैरामीटर देख के आप वोल्टेज और एम्पेयर को आप आपस में मल्टीप्लाई करें और वो आपको सोलर की जनरेशन बता देगा कि सोलर इतने वाट जनरेट कर रहा है, आपको वो फौरन से पता चल जाएगा। तो आज के लिए इतने व्यूअर, आई होप कि मेरी आज की ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की शुरू में मेरी वीडियो को लाइक, चैनल में नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें व्यूअर, ताकि इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए मिलाता रहूँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।